प्यारे बच्चों आपका फिर स्वागत है नए क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आज इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट। टॉपिक का नाम है मेटल कार्बोनेट। देखें भाई ये टॉपिक है मेटल कार्बोनेट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा मेटल कार्बोनिल क्या होता है? मेटल कार्बोनिल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें जो मेटल होता है वो सीओ ग्रुप से जुड़ा हो। मेटल जो है वो किससे जुड़ा हो? सीओ से। सीओ को आप लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को ही आईयूपीएसी में कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो जब मेटल और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, यानी जब डायरेक्ट बॉन्ड हो मेटल और सीओ के कार्बन के बीच में, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जब मेटल और सीओ ग्रुप के कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड को मेटल कार्बोनिल का दर्जा देते हैं। ठीक है, अब बात ध्यान देने वाली है, जो मेटल कार्बोनिल है उसमें कई एग्जाम्पल है आपके कोर्स में, जैसे है एनआई सीओ होल फोर, एफई सीओ होल फाइव, एमओ सीओ होल सिक्स, एमएन थ्री सीओ होल ट्वेल्व, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पहली बात है मेटल कार्बोनिल क्या है, दूसरी बात उसके एग्जाम्पल, तीसरी बात उन्हें बना के दिखाओ, है ना, और चौथी बात मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर डिस्कस करो। तो इसमें हमें चार बातों के आंसर देने हैं। पहली बात मेटल कार्बोनिल क्या है, दूसरा उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तीसरा उसमें से कुछ एग्जाम्पल एक दो बना के दिखाइए, प्रिपरेशन दीजिए उनकी, चौथा उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करिए। इन चार बातों में से मैं दो के आपको आंसर दे चुका। मेटल कार्बोनिल क्या है? दोज कंपाउंड इन विच डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल ग्रुप। दोज कंपाउंड विच हैविंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर कॉल्ड मेटल कार्बोनिल। एग्जाम्पल क्या है? NiCO होल फोर, FeCO होल फाइव, MO CO होल सिक्स, MN3 CO होल ट्वेल्व, ये इसके फेमस एग्जाम्पल है। अब बात आई कुछ की प्रिपरेशन करके दिखा दो। तो देखो बेटा इनकी प्रिपरेशन बेहद आसान है। आप कहोगे आसान? हाँ बेहद आसान। देखो Ni प्लस फोर CO NiCO होल फोर। अब बताओ इसमें क्या कठिन लगा? कहोगे तो बिल्कुल लल्लू प्रिपरेशन है। हाँ बिल्कुल ही आसान है। ऐसे ही देखो Fe प्लस फाइव CO, एरो पे लिखना है 200 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखना है? 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो बन गया FeCO होल फाइव। ऐसे ही MO प्लस सिक्स CO, एरो पे टेम्परेचर सेम रहेगा 200 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर की जगह हो जाएगा 250 ATM, प्रोडक्ट बन जाएगा MO CO होल सिक्स। तो देखो ये प्रिपरेशन तो बिल्कुल कठिन है ही नहीं। Ni प्लस फोर CO NiCO होल फोर, Fe प्लस फाइव CO, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, हाई प्रेशर FeCO होल फाइव, MO प्लस सिक्स CO, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 250 ATM, MO CO होल सिक्स। इससे यार आसान क्या हो सकता है? अब बात आती है बॉन्डिंग, लास्ट बात बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बेटा जो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत समझने वाला है, बोर्ड एग्जाम में तीन बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से समझे। ठीक, शुरू कर रहे हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये हटा दू, नोट कर लिया है, ये प्रिपरेशन थी, नोट कर ली होंगी उम्मीद है। अब देखो अपने पे टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो जो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल है उसको समझाने के लिए मैंने पहले ही डायग्राम बना रखा है, अब इस डायग्राम को ध्यान से समझ लेना तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो बेटा पहले मेटल जो है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, और सीओ के पास लोन पेयर है, यानी कि मेटल जो है उसके पास है खाली ऑर्बिटल, है ना, खाली ऑर्बिटल का मतलब समझ लो खाली कटोरा, और सीओ के पास है लोन पेयर यानी कि पैसे देने के लिए। तो मेटल भिखारी है और सीओ अन्नदाता है,
तो सीओ लोन पेयर दे रहा है और मेटल अपनी वैकेंट ऑर्बिटल में उस लोन पेयर को ले रहा है। आप साफ देख रहे हैं, ये मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल है, ये सीओ के पास लोन पेयर है। देखो ये प्लस से प्लस कनेक्ट हो गया, ये प्लस आप देख रहे हैं बड़ा हो गया होगा। देखो ये माइनस रहा, ये दोनों प्लस एड होके बड़े हो गए और ये पोर्शन ये सेम रहा। ऐसा होने से मेटल और कार्बन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और इससे सिग्मा बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ। कौन सा बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ? सिग्मा बॉन्ड बना। इसे बोलेंगे सी टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड एम को, यानी कि सी और एम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और उससे सिग्मा बॉन्ड बना वाया सिग्मा ओवल है। तो हमने देखा पहले जो मेटल था उसने लोन पेयर लिया सीओ से अपनी वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक, पहले ये हुआ। अब आपने इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ? अब उल्टा काम हुआ। देखो ये मेटल की फिल्ड ऑर्बिटल है, मेटल फिल्ड ऑर्बिटल, और ये सीओ की क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। यानी अब ऊपर से बिल्कुल उल्टा हो गया है, जो पहले भिखारी था अब वो दाता बन गया और जो दाता था वो भिखारी बन गया। यानी दिनों का फेर है, उल्टे काम हो गए। अब देखो यहां पर मेटल लोन पेयर देगा और सीओ लोन पेयर लेगा, यहां पर उल्टा काम हो रहा है। अब आप देखें यहां पर ध्यान से देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये दोनों प्लस जुड़ गए। ये देखो ये प्लस बड़ा हो गया, ये माइनस है, माइनस है, दोनों लोग जुड़ गए और ये माइनस बड़ा हो गया। चेक करें, मैच करें, माइनस प्लस, माइनस प्लस, नजर आए? ये दोनों प्लस जुड़कर ये बना, ये दोनों माइनस जुड़कर ये बना, है ना? तो ये भी खत्म हो गया, ये रहा, ये रहा। पूरी बात क्लियर हुई या नहीं? एक बार दोबारा रिपीट करो, ये दोनों है, ये दोनों मिलकर ये है, ये दोनों मिलकर ये, और ये सारा है। तो यहां पर एम और सी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन उल्टा है। पहले सी लोन पेयर दे रहा था एम को, अब एम लोन पेयर दे रहा है सी को, इसलिए देखो एरो की डायरेक्शन उल्टी हो गई है, रिवर्स हो गई है। जो लोन पेयर देता है उसकी तरफ टेल रहती है और जो लेता है उसकी तरफ हेड आता है। तो यहां पे सी लोन पेयर दे रहा है, एम ले रहा है, यहां पे उल्टा हो गया है, एम की तरफ टेल है, सी की तरफ हेड है। इसका मतलब ये लोन पेयर दे रहा है और ये लोन पेयर ले रहा है। ऊपर सिग्मा बॉन्ड बना था, नीचे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने देखा जो पहले मेटल सीओ से लोन पेयर ले रहा था, कह रहा था दे दो भैया भगवान के नाम पे एक लोन पेयर दो, अब वो लोन पेयर पहले ले रहा था मेटल, अब दे रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं केमिस्ट्री में, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, सिनर्जिक इफेक्ट। क्या वर्ड है? सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब ही होता है जो चीज पहले अपनी वैकेंट ऑर्बिटल में दूसरे से लोन पेयर ले, वो फिर दूसरी चीज को अपना लोन पेयर प्रोवाइड करे। लेकिन इस बात को एक एग्जांपल से समझना सिनर्जिक इफेक्ट को, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे वो कैसे? एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा बात समझना, ठीक है? मान लीजिए कोई बच्चा मुझसे पढ़ता है, है ना, है ना? अब वो बच्चा पढ़ता है तो मुझे फीस देता है एक्स रुपए। कितने देता है? एक्स। तो फीस किसने दी? बच्चे ने। किसे दी? मुझे। तो मुझे फायदा हुआ, आपने फीस दी, तो आपके और मेरे बीच में जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक, ओके रहा। अब जरा दूसरा सोचो, अब जो स्टूडेंट है उसकी कोई दुकान है, मान लीजिए कपड़ों की दुकान है, मुझे कपड़ों की जरूरत पड़ी, मैंने कहा यार इसकी तो कपड़ों की बढ़िया दुकान है, मैं बच्चे पे गया, मैंने उससे कहा भाई बढ़िया से भाई कपड़े निकाल दो, उनने वो कपड़े निकाले, मैंने उससे खरीद लिए, और मुझे जब कपड़े खरीदे तो बदले में उसे वाई पेमेंट देना पड़ा। तो यहां पर आप देखो, पहले बच्चे से मैं पैसे ले रहा था पढ़ाने के बदले में, अब बच्चे को कपड़े जब मैंने खरीदे तो बदले में पेमेंट दिया, तो जब मैंने पेमेंट दिया तो सिग्मा बॉन्ड बना, और जब बच्चे को पेमेंट मिला मुझसे कपड़े के बदले में तो पाई बॉन्ड बना। इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड भी बना, पाई बॉन्ड भी बना, और मेरे और बच्चे के बीच में जो ये बॉन्डिंग है ये सिनर्जिक इफेक्ट है, जिसमें लेन देन दोनों हुआ, पहले फीस के रूप में मुझे मिले फिर कपड़े के रूप में मुझे देने पड़े, ये सिनर्जिक इफेक्ट है। क्या बात समझ पाए? सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब है पहले मेटल और सीओ के बीच में सीओ लोन पेयर प्रोवाइडर है, फिर दूसरी बार में मेटल लोन पेयर प्रोवाइडर है। तो दो डायग्राम दिखाए,
एक में आप समझो ये टीचर ये स्टूडेंट फीस मिल रही है, दूसरा ये समझो ये टीचर ये स्टूडेंट कपड़े खरीद रहा है और फीस देनी पड़ रही है। जब मिलेगी तो सिग्मा बॉन्ड, जब देनी पड़ेगी तो पाई बॉन्ड, मिला के कहलाएगा सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक। अब प्यारे बच्चों इसमें एक बात ध्यान देना है, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है बनाने को। अब डायग्राम के दो पार्ट है, लेकिन जो अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखो तो उनने दोनों डायग्राम को मिलाकर एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है। तो या तो आप बोर्ड एग्जाम में ये दो डायग्राम बनाओ, तीन नंबर में आएगा, तो या तो ये दो डायग्राम बनाओ, एक सिग्मा वाला और एक पाई वाला, या क्या करो एनसीईआरटी का एक डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं उसे बना लो, उसे बना लोगे तो इन दोनों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी या तो ये दो बनाने हैं या एनसीईआरटी का केवल एक डायग्राम बनाना है, ये आपकी चॉइस है, आप क्या सेलेक्ट करते हो। तो अब एनसीईआरटी का डायग्राम बना रहा हूं, सिंगल डायग्राम जो इन दोनों डायग्राम को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया है, अब उसे बना रहा हूं, हटा रहा हूं इसे। ठीक है, अब वो सिंगल डायग्राम देखो भाई, सिंगल डायग्राम देखना बेटा, यहां पे लिया हमने मैटर, क्या लिया मैटर, ये उसकी ऑर्बिटल आ रही हैं, दोनों काम दिखाने हैं, सिग्मा भी और पाई भी, सिग्मा और पाई दोनों चीजें हमें यहां पर शो करनी है। ठीक है, अब देखो यहां पे लिया सीओ, क्या लिया सीओ, ठीक, क्या लिया सीओ। देखो यहां पर मैंने दिखा रहा हूं सीओ का लॉन पेयर, किसका लॉन पेयर, सीओ का लॉन पेयर, ये रहा, ये नजर आ रहा है सीओ का लॉन पेयर, ये मेटल की खाली ऑर्बिटल को शिफ्ट हुआ, यानी लॉन पेयर कौन दे रहा है सीओ, और किसको मिल रहा है मेटल को, कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा, तो इसमें मैंने सिग्मा ओवरलैपिंग दिखा दी, सीओ अपना लॉन पेयर मेटल की खाली ऑर्बिटल को दे रहा है। अब यहां पे मेटल का लॉन पेयर है, ये सीओ की खाली ऑर्बिटल को शिफ्ट हो रहा है ना, इससे बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा पाई बॉन्ड, कौन सा बनेगा पाई ओवरलैप। तो इसमें हम देख रहे हैं एक तरफ सीओ अपना लॉन पेयर मेटल की खाली ऑर्बिटल को दे रहा है और दूसरी तरफ मेटल अपना लॉन पेयर सीओ की खाली ऑर्बिटल को दे रहा है। जब सीओ लॉन पेयर देगा तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, जब मेटल लॉन पेयर देगा तो बनेगा आपका पाई बॉन्ड। इस तरीके से सिग्मा ओवरलैपिंग पाई ओवरलैपिंग दोनों को हम एक ही डायग्राम में दिखा सकते हैं। ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी व्यू है, अगर आप इसे बना लें तो उन दोनों डायग्राम को आप लेफ्ट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का है जिसमें एक साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड का बनना दिखाया गया है, ऊपर भी पाई है, पाई बॉन्ड आधा ऊपर बनता है आधा नीचे बनता है, ये दोनों ही पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो होता है ना वो कैसा बनता है, आधा ऊपर की तरफ कैसा होता है, पाई दो बॉन्ड होते हैं सिग्मा और पाई, सिग्मा बॉन्ड बनता है एंडवाइज ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनता है साइडवाइज से, साइडवाइज ओवरलैपिंग ऐसे होती है। तो देखो आधा कनेक्शन तो ऊपर होगा ये देखो, पर आधा कनेक्शन नीचे होगा, दो कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं एक पाई बॉन्ड में, इसीलिए यहां पर भी दिखाया है और यहां पर दिखाया है, डबल कनेक्शन दिखाया है, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग है ये एंडवाइज ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों इस वीडियो से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, मेटल कार्बोनिल क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है, कुछ एग्जाम्पल को बना के दिखाओ, फिर उनके अंदर बॉन्डिंग दिखाओ। बॉन्डिंग के भी दो तरीके हो गए, एक तो दो डायग्राम वाला मेथड, एक सिंगल डायग्राम वाला मेथड एनसीईआरटी वाला, जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के नंबर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई दो डायग्राम बनाए या एक बनाए बोर्ड एग्जाम में नंबर उसे सेम मिलेंगे, आपकी चॉइस पर है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मेटल कार्बोनिल के ऊपर पूरी डिटेल जानकारी हो गई होगी। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो प्लीज कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, थैंक यू।